श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे ऋषि पितामह के बारे में और उनके रहस्यों के बारे में बताएंगे। कुछ 15-16 रहस्य हम आपको बताएंगे ऋषि पितामह के बारे में। देखिए, एक बात तो है कि आखिरी कौरव ऋषि पितामह ही हैं, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं करने का प्रण ले लिया था। तो जब उनकी शादी भी नहीं और इकलौते लड़के थे तो फिर कैसे होता। बाकी जो थे वो वेद व्यास जी की वजह से हुए थे। तो आखिरी कौरव जो थे, आखिरी गुरु जो थे, वो हमारे भीष्म पितामह ही थे। अभी हम रहस्यों के ऊपर आते हैं। पहला रहस्य, जब भीष्म पितामह का जन्म हुआ था तो यह वह काल था जब देवी और देवता धरती पर विचरण किया करते थे। आप किसी खास मंत्रों द्वारा ना आह्वान करके आप उन्हें बुला सकते थे और प्रकट हो जाया करते थे। देवताओं में इंद्र, वरुण, 2 अश्विनी कुमार, 8 वसुगण, 12 आदित्यगण, 11 रुद्र, सूर्य, मित्र, पुषण, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, सती, सरस्वती, लक्ष्मी, उषा, अपानपाद, सविता, त्रिप, विवस्वत, 49 मृदगण, पर्जन्य, वायु, मातृश्वन। तो जितने भी देवता थे, चाहे वो आत्मा हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे अदिति हो, या सावित्री हो, या शुक्राचार्य हो, इन्हीं देवताओं के कुल में से एक माँ गंगा भी है। अभी तो सबसे पहली बात यह कि गंगा ने शांतनु से विवाह क्यों किया। पुत्र की कामना से शांतनु के पिता महाराज प्रतीप ने गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंगा पर आकर बैठ गई और कहने लगी कि राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जन्म ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीप ने कहा, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंगा पर बैठी हो, जबकि पत्नी तो वामांगी होनी चाहिए। दाहिनी जंगा तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर गंगा वहां से चली गई। जब महाराजा प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा और उसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। गंगा से उन्हें कुछ 8 पुत्र मिले, जिनमें से 7 को गंगा नदी खुद गंगा में बहाई और 8वें पुत्र को पाला पोसा। उनके 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था और यह देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म बने और भीष्म पितामह बन गए। दूसरा रहस्य हम आपको बताने जा रहे हैं। शांतनु ने अपने पिता प्रतीप की आज्ञा से गंगा के पास जाकर उनसे विवाह करने के लिए निवेदन किया था। गंगा तो शांतनु के पिता पर आसक्त हुई थी। तब गंगा ने कहा, राजन, मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने गंगा को वचन देकर विवाह कर लिया। गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु को 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 को गंगा नदी में ले जाकर बहा दिया। वचन के बंधे होने के कारण शांतनु कुछ बोल नहीं पाए। जब गंगा का 8वां पुत्र और वो उसे भी नदी में बहाने के लिए ले जाने लगी तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने इस कार्य को करने से गंगा को रोक दिया। गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। इतना कहकर गंगा वहां से अंतर्धान हो गई। महाराज शांतनु ने अपने उस पुत्र को पाला पोसा और उसका नाम देवव्रत रखा। देवव्रत के किशोरावस्था में होने पर उसे हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाए। दूसरी ये भी बात है, कहीं कहीं महाभारत में ये भी जिक्र है कि जब गंगा अपने साथ देवव्रत को लेकर गई थी और फिर उन्हें पूरा ट्रेंड किया है, परशुराम उनके गुरु हो गए। फिर तीसरा रहस्य हम आपको बताने जा रहे हैं। एक बार धू नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया था। यह है कि मतलब देवव्रत कैसा है, भीष्म पितामह कैसा है। इसलिए वशिष्ठ ऋषि ने धू से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर वसु ने घबराकर वशिष्ठ ऋषि से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो वर्ष के अंत होने पर मेरे हिसाब से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन इस धू को अपनी करनी का फल भोगने के लिए एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी पड़ेगी।
यह सुनकर वसु ने गंगा जी के पास जाकर उन्हें वशिष्ठ के शाप को विस्तार से बताया और ये प्रार्थना की कि आप मृत्यु लोक में अवतार लेकर हमें गर्भ में धारण करें और जो ही हम जन्म लें हमें पानी में डुबो दीजिए, इस तरह हम जल्दी से ही सभी से मुक्त हो जाएंगे। गंगा माता ने स्वीकार कर लिया और वे युक्तिपूर्वक शांतनु राजा की पत्नी बन गई और शांतनु से वचन भी ले लिया। शांतनु से गंगा के गर्भ से पहले जो सात पुत्र पैदा हुए थे उन्हें उत्पन्न होते गंगा जी ने पानी में डुबो दिया, जिससे सात वसु तो मुक्त हो गए लेकिन आठवें शांतनु ने गंगा को रोककर इसका कारण जानना चाहा था। गंगा जी ने राजा की बात मानकर वसुओं को वशिष्ठ के शाप का सब हाल कह सुनाया। राजा ने उस आठवें पुत्र को डुबोने नहीं दिया और इस वचन भंगता के कारण गंगा आठवें पुत्र को सौंप कर अंतर्धान हो गई। यही बालक धू नामक वसु था जो आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। अभी हम आपको बताते हैं चौथा रहस्य। एक दिन देवव्रत के पिता शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे और उन्हें नदी में नाव चलाते एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गए। महाराजा ने उसके पास जाकर उससे पूछा कि हे देवी तुम कौन हो, और उसने कहा कि मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूं। महाराज उसके रूप यौवन पर रीछ कर उसके पिता के पास पहुंचे और सत्यवती के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव किया। इस पर पिता ने कहा कि राजन मुझे अपनी कन्या के विवाह आपके साथ करने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं चाहता हूं कि मेरी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को ही आप अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाए, तो ही यह विवाह संभव हो पाएगा। निषाद के इन वचनों को सुनकर महाराज शांतनु चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए और मन ही मन इस दुख से घुटने लगे। सत्यवती के वियोग में महाराज व्याकुल रहने लगे और उनका शरीर भी दुर्बल होने लगा। महाराज की यह दशा देखकर देवव्रत को चिंता हुई। जब उन्होंने मंत्रियों द्वारा पिता की इस प्रकार की दशा जान का कारण पता चला तो निषाद के घर जा पहुंचे और कहे, हे निषाद, आप सहर्ष अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता शांतनु से करते हैं। मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कालांतर में मेरी कोई संतान आपकी पुत्री के संतान का अधिकार छीन न पाए, इस कारण से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजन्म अविवाहित रहूंगा। उनकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने हाथ जोड़कर कहा कि हे देवव्रत, आपकी ये प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। इतना कहकर निषाद ने तत्काल अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत तथा उनके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। देवव्रत जब निषाद कन्या सत्यवती को लेकर अपने पिता शांतनु को सौंपते हैं तो शांतनु की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। शांतनु प्रसन्न होकर देवव्रत से कहते कि हे पुत्र, तूने पितृ भक्ति के वशीभूत होकर ऐसी कठोर प्रतिज्ञा की है जो न आज तक किसी ने की है और न भविष्य में कोई करेगा। तेरी इस पितृ भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे वरदान देता हूँ, तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से होगी। यही था पांचवा रहस्य। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तो भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव प्रख्यात रहेगी और सदैव प्रख्यात रहे आज भी। अब हम आपको छठा रहस्य बताते हैं। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के दो पुत्र हुए, तो ये भी कौरव ही हुए। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद राजा बनाए गए, किंतु गंधर्वों के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। तब विचित्रवीर बालक ही थे, फिर भी भीष्म विचित्रवीर को सिंहासन पर बैठाकर खुद राजकार्य देखने लगे। विचित्रवीर के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की तीन पुत्रियों का हरण कर लिया और उसका विवाह विचित्रवीर से करना चाहते थे, क्योंकि भीष्म चाहते थे कि किसी भी तरह अपने पिता शांतनु का कुल बढ़े। लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अंबा को छोड़ दिया गया क्योंकि वह शाल्वराज को चाहती थी। अन्य दोनों अंबालिका और अंबिका का विवाह विचित्रवीर के साथ कर दिया गया, लेकिन विचित्रवीर को दोनों से कोई संतानें नहीं हुई और वह भी चल बसा। तो यहाँ पे कौरव कुल खत्म होता है, कुरुकुल, तो रह गए भीष्म पितामह, इसलिए वो आखिरी कुरु कहे जाते हैं। एक बार फिर गद्दी खाली हो गई। सत्यवती शांतनु के वंश को डूब गया। सत्यवती शांतनु का वंश यहीं पर खत्म होता है और गंगा शांतनु के वंश ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली थी। अब हस्तिनापुर की राजगद्दी फिर से खाली हो गई। अब हम आपको बताते हैं सातवां रहस्य, परशुराम से युद्ध।
विचित्र वीर के युवा होने पर उनकी विवाह के लिए भीष्म ने काशीराज की तीन कन्याओं का बलपूर्वक हरण किया था, जिसमें से एक को शाल्वराज पर अनुरक्त होने के कारण छोड़ दिया गया था। लेकिन शाल्वराज के पास जाने के बाद अंबा को शाल्वराज ने स्वीकार करने से मना कर दिया, तो अंबा के लिए बड़ी दुखदायी स्थिति हो चली थी। अम्मा ने अपनी दुर्दशा के कारण भीष्म को समझकर उनकी शिकायत परशुराम जी से जाके कर दी। परशुराम जी ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की ठानी तो परशुराम जी ने भीष्म से कहा कि तुमने अंबा का बलपूर्वक अपहरण किया है, अतः अब तुम्हें इससे विवाह करना होगा, अन्यथा मुझसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो भीष्म तो बोले, भाई मैं तो प्रतिज्ञा कर चुका कि मैं विवाह करूंगा ही नहीं, पर परशुराम जी मान नहीं रहे थे और फिर युद्ध शुरू हो गया। भीष्म और परशुराम जी का जो युद्ध है 21 दिनों तक हुआ और भयंकर युद्ध हुआ। अंत में ऋषियों ने परशुराम जी को सारी व्यथा कथा सुनाई और भीष्म की स्थिति से भी उनको अवगत कराया। तब कहीं जाकर परशुराम जी ने युद्ध विराम किया। तो इस तरह भीष्म द्वारा किए गए ब्रह्मचर्य के प्रण पर वे अटल रहे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ये हमारा पहला पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट में हम आपको बाकी के रहस्य बताएंगे भीष्म पितामह के। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।